हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आशा करती हूँ जी आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो जी मेरे प्रोफाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज़ बहुत ही टाइम के बाद बना रही हूँ ब्लॉग, बहुत ही दिन हो गए थे ब्लॉग बनाए हुए, टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था घर में लगे काम भी, तो उस वजह से फिर कुछ ब्लॉग ऐसे हैं जो बने हैं वो एडिट ही नहीं हुए हैं मेरे से, तो तब करके ये भी पता नहीं कब पड़ेगा, बट चलो बना लेती हूँ क्योंकि आज जा रही हूँ मैं मम्मा के साथ नहर चौक को जा रही हूँ मैं अभी। गुड मॉर्निंग। तो गाइज हाँ जी अभी जा रही हूँ मैं मम्मी के साथ और टाइम हो चुका है, अभी कोट बस पे ही जाऊँगी जिस पे मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, आज लिए मैंने स्कूल में हॉलीडे किया है, मैंने एक छुट्टी ली है आज और जाऊँगी मैं मम्मा के साथ। तो आज का जो पूरा दिन है वो निकलेगा हमारा मंडी में, और अगर टाइम लगा तो आती बार मेले लगे हैं साइलू के, मम्मा ने बोला हो सकता है मे भी हम उतर सकते हैं वहाँ पे, तो क्या पता हम उतरे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। नहीं तो आज मैंने सोचा था कि मैं स्कूल से ही जाऊँगी मेले, बट चलो मम्मा ने बोला है पर देखते हैं, मम्मा के साथ बहुत ही टाइम के बाद जाऊँगी, तब तो मैं मेला पता नहीं कितने साल हो गए मम्मा भी नहीं जाते मेले मूले इतने, तो अभी मम्मा नहीं आया, मैं आ गई थी थोड़ा पहले क्योंकि मुझे करनी थी ब्लॉगिंग थोड़ी सी, तो इसलिए मैं आ गई। बाकी अभी बस भी आने वाली है, बस को आने में बचे हैं 4 मिनट, तो मुझे करना पड़ेगा अभी मम्मी को फ़ोन, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ, देख सकते हो आप ये हमारा कून का अड्डा, यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ मैं, यहाँ से लेंगे हम बस, यहाँ से तो नहीं लेंगे आगे से लेंगे बस तो ना, एक्चुअली रास्ता तो उधर से भी था पर वो नहीं था उतना साफ, तो इसलिए मैंने बोला चलो सड़क से चलते हैं, सड़क साफ होती है हमारी देखो। और ये मेरी शाल दीदी का घर, इधर सामने वाले स्टॉप पे रुकेगी बस। तो गाइस फाइनली हमें मिल चुकी है बस, और इस बस में जो ड्राइवर है ना वो है मेरे जीजू, शालू दीदी के हस्बैंड। आज का मौसम भी बहुत सुहाना है, देख सकते हो बहुत प्यारा मौसम है। तो जी हम पहुंच चुके हैं कोटली में, आप देख सकते हो ये हमारा कोटली का बस स्टैंड। और अब पहुंच चुके हैं हम साइग्लू में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी दुकानें पड़ी है लेकिन अभी बंद है क्योंकि सुबह का टाइम है, तो अभी खुलेंगी ये ऐसे 8 या 9 बजे के बाद ही, तो आधी आधी दुकानें खुलना स्टार्ट भी हो गई थी आगे आगे को। बाकी साइकिलों में लगे हैं मेले, तो बहुत ऐसे सामान आए हैं यहाँ पे देख सकते हो आप। तो जी आप देख सकते हो यहाँ पे कल जा रही थी मैं मंडी को, लेकिन हम गए हैं नए वाले रूट से लाग से होते हुए, यहाँ से मेरा सेकंड टाइम गई है, फर्स्ट टाइम मैं गई थी कॉलेज के टाइम में आई थी मैं इस रोड से, बाकी उसके बाद कभी नहीं गई मैं, लेकिन आज मौका मिल गया फाइनली जाने का। तो अच्छा रोड है, कंजस्टेड है थोड़ा, बाकी अच्छा है साफ है। तो ये वाला स्कूल जो आप देख रहे हो, ग्राउंड देख रहे हो ना, स्कूल तो सामने वाली तरफ था, तो उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बस में थी बहुत ज़्यादा भीड़। तो ये भी तुंगल का स्कूल है जी, इस रोड से देखो पूरा मंडी दिख रहा है, इतना प्यारा। ब्यास नदी है नीचे, ब्यास नदी है और ये विक्टोरिया पुल है उधर, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो अब पहुँच चुके हम हॉस्पिटल रोड पे, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है,
तो जी मंडी बस स्टैंड से भी हमने बस नया चौक के लिए यहाँ पे बसेस की इस साइड बसेस की बहुत ज़्यादा सुविधा होती है तो तब करके हमने बस ले ली। तो जी पहुँच गए हम नया चौक हॉस्पिटल में। तो ये है नया चौक का हॉस्पिटल, यहाँ पे हमने पर्ची वगैरह बनाई, उसके बाद अब हम वेट कर रहे हैं मम्मा की बारी का। तो अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पे और मम्मी अभी अंदर। तो जी आज पता नहीं कैसा दिन है, 4 बज चुके हैं यहीं पे और मैक्सिमम भीड़ ख़त्म हो चुकी है। बाकी इधर आ गई है शायद मम्मा की बारी, अब चली गई हो अंदर। तो जी फाइनली हम हो चुके हैं यहाँ से फ्री और टाइम हो चुका है 4:45। तो अभी चल पड़े हम यहाँ से, मेडिसिन लेंगे हम आगे। बाकी अभी देख सकते हो आप बिल्कुल खाली हो चुका है पूरा यहाँ पे फ्लोर। तो चलिए जी। तो गाइस फाइनली हम चल पड़े अभी यहाँ से, शॉप से लेंगे हम मेडिसिन, बाकी फिर पकड़ेंगे बस। तो नया चौक से भी मिल गई हमें मंडी के लिए बस, वहाँ की साइड से बहुत सुविधाएं हैं। तो गाइस फाइनली हमें मिल चुकी है यहाँ से कोट बस, जिस पे हम सुबह आए थे उस पे जा रहे हैं अभी शाम को। तो ये चलेगी अभी, 10 मिनट है इसको चलने में। तो जी अब फाइनली पहुँच चुके हैं हम कोटली में और इधर बारिश हुई है आज बहुत सारी, देख सकते हो आप। बाकी नर चौक में तो एक बूंद भी नहीं हुई है उधर तो, लेकिन कोटली में काफ़ी हुई है, पानी बता रहा है। तो जी आप यहाँ पर देख सकते हो हमें हो चुका है अंधेरा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर में। तो आज का दिन बहुत ही थकान भरा था और मैंने सोचा था मेले जाऊंगी, बट मेले भी नहीं गई क्योंकि हम लेट हो गए वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज हॉस्पिटल पे, तो इस वजह से। बाकी दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था वैसे तो, कोई नहीं जो भी हुआ, बट जो भी हमारे काम थे वो सारे बन गए। बाकी जो ब्लॉग है गाइस उसको करते हैं यहीं पेंट। वैसे तो मैंने मेले का भी डालना था बट मैं लाइव ही आ गई वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो वीडियोस को। बाकी आप लोग वीडियोस को देखिए और फॉलो कीजिए मेरी प्रोफाइल को और ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मेरी तरह, जैसे मैं हंसती रहती चेकती रहती हूँ, आप भी हंसिए मुस्कुराइए, एक ज़िंदगी है तो खुल के जियो। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अंकुटू के, बाय।